यात्राधाम अंबाजी खाते भरानार भादरवी पूनम ना मेला मा पदयात्राए आवता लाखों श्रद्धालुओं की चिंता अंबाजी मंदिर ट्रस्टे करी छे। आ भव्य मेला मा अंदाजे 40 लाख थी वधारे यात्राळुओ पहोंचे तेवी शक्यता छे। त्यारे आ वखते पण अंबाजी आवता तमाम यात्रिको ने वीमा कवच पूरू पाडवामां आवशे। 23 सप्टेम्बर थी शुरू थनार भादरवी पूनम ना मेला मा मूळ अंबाजी धाम थी 20 किलोमीटर ना विस्तार मा जो कोई घटना बने तो यात्रियों ने वीमा नो लाभ मळशे। जेना माटे मंदिर ट्रस्ट द्वारा करोड़ रूपया नी मातबर रकम नो वीमो उतराव्यो छे, जेनु प्रीमियम रूपया 17.30 लाख वीमा कंपनी ने मंदिर ट्रस्ट द्वारा चुकवामां आव्यो छे। आ वीमा नी रकम असरग्रस्त व्यक्ति ना पगार धोरण ना अनुसार नक्की करवामां आवशे। पवित्र श्रावण महीना ना हवे गणतरी ना दिवसों बाकी छे। गुजरात मा एक एवं शिवलिंग आवेलू छे जे श्रावण महीनाना छेल्ला दिवसे श्रद्धाळुओने प्रसाद स्वरूपे रुद्राक्ष तथा रुद्राक्षनी माळा अपाशे। अहीं 7.5 लाख रुद्राक्षमांथी 6.5 फूट ऊंचू शिवलिंग निर्माण करायुं छे। अधिक श्रावण शुरू थयो त्यारथी अत्यार सुधी अहीं दररोज महापूजा करवामां आवे छे, जे आवती अमास सुधी शुरू रहेशे। आ जग्या छे अमदावादमां आवती धर्मात्मा कुटीर। अहीं श्रावणना छेल्ला 2 दिवस एटले अमास निमित्ते आवता श्रद्धाळुओने प्रसाद तरीके रुद्राक्ष अपाशे। लगभग 72 दिन हो गए हैं पूजा करते हुए। 72 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू पूजा यज्ञ और हवन चल रहा है और यहाँ पे रुद्राक्ष का शिवलिंग पिछले लगभग 12 साल से बनाया जा रहा है। हर साल नए रुद्राक्ष लाए जाते हैं और उनसे शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और फिर अमावस्या के दिन जिस दिन गुजरात का श्रावण महीना पूर्ण होता है उस दिन प्रसाद के रूप में सभी को शिवलिंग की मालाएं दूसरी पूजा में अभिमंत्रित की हुई मालाएं और रुद्राक्ष वितरण किया जाता है। छेल्ला 12 वर्ष थी आ कुटीर मां आ प्रकारनी पूजानुं आयोजन करवामां आवे छे। शिवलिंग बनावा माटे तमाम रुद्राक्ष नेपाळथी मंगावामां आवे छे। कुटीरमां आवता श्रद्धाळुओ महादेवनो अभिषेक करे छे, जेना माटे तेमणे कोई दक्षिणा नथी आपवी पड़ती। और हम 15 साल से 365 दिन यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। हमारी जो भी कष्ट पीड़ा है वो महादेव हरण करते हैं और यहाँ पे आके सुकून मिलता है हमको। ये 12 साल से भी पुराना है और यहाँ पर हर श्रावण मास में पूजा की जाती है इसे और यहाँ कोई दान दक्षिणा ली नहीं जाती है और जब आखिरी दिन होता है श्रावण महीने का तब ये सभी रुद्राक्ष मुफ्त में दी जाते हैं। श्रावण महीनो एटले शिवनी आराधनानो महीनो। એમાં પણ આ વખતે તો અધિક શ્રાવણ હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓ 2 મહિના સુધી શિવજીની પૂજા અર્ચનામાં ભાવ વિભોર રહ્યા। શિવજીની કાવડ યાત્રા જેમાં શિવલિંગની બાજુમાં જ નાગ દેવતાને પણ બિરાજમાન કરાયા। આ ચોંકાવનારો વિડીયો મહારાષ્ટ્રના હિંગોલીનો છે, જ્યાં એક ગામમાં યુવકોએ કાવડ યાત્રામાં જીવતા અને ખૂબ જ ઝેરી સાપને પણ કાવડ પર બેસાડી દીધો અને આખા ગામમાં કાવડ યાત્રા યોજી। આ દરમિયાન સહેજ પણ ડર્યા વિના યુવકો યાત્રામાં જોડાયા, એટલું જ નહીં સાપની સામે ડાન્સ પણ કર્યો। વાયરલ થયેલા આ વિડીયોએ ભારે ચર્ચા જગાવી છે। એક વિડીયોમાં તો લોકો હર હર મહાદેવના નારા પણ લગાવી રહ્યા છે। આ દરમિયાન સાપ પોતાની ફેણ ડોલાવીને જાણે કે પ્રતિસાદ આપતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। ભગવાન ગણેશની આ મૂર્તિની આંખો હલે છે અને હૃદય પણ ધબકે છે। એવું લાગે જાણે આ મૂર્તિમાં ભગવાન ગણેશ બેઠા છે। સ્ટેથોસ્કોપ સાથે લગાવીને ગણેશજીના હૃદયના ધબકારા પણ સાંભળી શકાય। આગ્રામાં રહેતા અજય બાથમે આ મૂર્તિ બનાવી છે। મૂર્તિમાં એવા પણ ઉપકરણ લગાવવામાં આવ્યા છે જેના કારણે તેનું પેટ અને પગનું પણ હલનચલન થાય, પરિણામે મૂર્તિ વધુ જીવંત લાગે છે। મૂર્તિના એક હાથમાં મોબાઈલ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે। રબર ટ્યુબનો ઉપયોગ કરીને આ મૂર્તિ તૈયાર કરાય છે। में खासियत ये है कि पहला नंबर ये मैंने बस और ट्रक के जो ट्यूब होते हैं उनसे बनाई है और ख़ास बात इसमें ये है कि पहली बार मुझे मूर्ति मैंने बनाई है। इसमें खासियत ये है कि इसमें मैंने एक इंसानी जान डालने की कोशिश की है, जैसे कि इनका दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, ये सुन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं और इनके हाथों की जो नसें हैं वो भी मूव करती हैं और इनमें जो मैंने जो लगाया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से डिवाइसें दी हैं इसमें, जैसे कैमरे हैं और PC वगैरह हैं, मोटर हैं